थायमोमा का डायग्नोसिस कैसे होता है? तो जैसे मैंने बताया, कई बार थायमोमा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में डिटेक्ट होता है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है एक्सरे में। फर्दर वर्कअप में हमें सीटी स्कैन करना होता है। सीटी स्कैन यूजुअली कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं, नस में एक दवाई देते हैं जिससे हमारे चेस्ट की खून की नसें इन्हांस हो जाती हैं, ट्यूमर इन्हांस हो जाता है और हम अच्छे से उसका आर्किटेक्चर देख पाते हैं। थायमोमा का साइज, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, क्या उसने आसपास के किसी स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। थायमोमा जब बड़े साइज का होता है तो सेकेंड इन्वेस्टिगेशन होती है एक बायोप्सी। जब भी हम थायमोमा के लिए स्टर्नोटमी करने का प्लान कर रहे हैं या कोई और मेजर एडजेसेंट ऑर्गन को रिसेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो हमें बायोप्सी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है थायमोमा की, क्योंकि कई बार थायमोमा से मिलता जुलता एक और कैंसर होता है लिम्फोमा, वो भी ऐसे प्रेजेंट कर सकता है। बट लिम्फोमा का ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है और थायमोमा का ट्रीटमेंट सर्जरी से होता है, इसलिए इनको अपफ्रंट डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने डायग्नोस कर लिया है कि थायमोमा है, तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए? थायमोमा का जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। सर्जरी करके थायमोमा को कम्प्लीटली बॉडी से निकाल देना होता है। ना सिर्फ थायमोमा को बल्कि सारा मीडियास्टाइनल फैट को भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी थायमोमा का पार्ट छोड़ देंगे या केयरफुली उसको सर्जरी नहीं करेंगे तो उसका रिकरेंस नोन है, और उसका रिकरेंस बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है। कई सालों बाद पेशेंट्स थायमोमा के रिकरेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। थायमोमा के ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स में हमेशा हम R0 रिसेक्शन को फॉलो करते हैं, यानी कंप्लीट मैक्रोस्कोपिक रिसेक्शन, यानी कहीं पे भी हमें थायमोमा को नहीं छोड़ना है। इस सर्जरी को हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। जो पहली कन्वेंशनल मेथडोलॉजी है वो है ओपन स्टर्नोटमी, यानी जिस तरीके से कार्डियक बाईपास ऑपरेशन में ब्रेस्ट बोन को बीच से कट कर दिया जाता है, ऐसे सेपरेट कर दिया जाता है और फिर थायमोमा को हम रिसेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक हम सिर्फ उन पेशेंट्स में अब यूज़ करते हैं जिसमें हमें थायमोमा के साथ साथ आसपास की खून की नसों को भी रिसेक्ट करना होता है, जैसे कि ब्रैकियोकेफलिक वेन, इनॉमिनेट वेन या SVC। जब इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और इन खून की नसों को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना होता है तब हम ये टेक्निक यूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अदर पेशेंट्स में हम दूसरी टेक्निक्स यूज करते हैं जो कि होती है वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, यानी दूरबीन वाली सर्जरी, जिसमें हम एक कैमरा और कुछ स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स चेस्ट के साइड से डालते हैं या कई बार नीचे से, यानी सब ज़िफॉइड रीजन से पेट और चेस्ट के बीच की टनल बना के डालते हैं और थायमोमा को कम्प्लीटली रिसेक्ट कर देते हैं। और तीसरी जो अप्रोच होती है वो होती है रोबोटिक थोरैसिक सर्जरी, जिसमें हम चेस्ट पे एक रोबोट को डॉक करते हैं और थायमोमा और उसके आसपास का मीडियास्टाइनल फैट को कम्प्लीटली रिसेक्ट कर देते हैं। थायमोमा के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट जो थायमोमा स्पेशली type B3 थायमोमाज में आ रहा है वो है इम्यूनोथेरेपी। एक दवाई होती है निवोलुमाब नाम से, जिसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा देखा गया है फॉर type B3 थायमोमाज।